किसान भाइयों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हरियाणा में लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है मूंगफली खेती होती है। देश की 991 किलोग्राम प्रति एकड़ औसत पैदावार के मुकाबले में हरियाणा की औसत पैदावार 1000 किलोग्राम प्रति एकड़ है। भूमि की किस्म के अनुसार उपयुक्त किस्मों के चुनाव, उन्नत ढंग और उचित पौध संरक्षण उपाय अपनाकर इससे भी ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। तो मूंगफली के लिए उन्नत किस्म है उनकी हम बात करते हैं। पहले किस्म बता रहे हैं MX4, जिसे मूंगफली हरियाणा 4 भी कहते हैं। ये एक बौनी गुच्छेदार किस्म है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 18 इंच होती है। इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की होती हैं। इस किस्म की हर प्रकार की भूमि में काश्त की सिफारिश की जाती है। यह सिंचित अवस्था में अच्छी उपज देती है। यह टिक्का रोग के लिए सहनशील है। इसकी औसत उपज 16 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। इसमें 70% गिरिया होती है। 100 गिरियों का वजन लगभग 32 ग्राम और तेल की मात्रा 50% होती है। ये 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह लाभ वाली किस्म है, क्योंकि इसमें बीज की मात्रा MS2 के मुकाबले आधी 30 किलो गिरिया लगती हैं। इसकी अच्छी बढ़वार के कारण खेत में खरपतवार भी नहीं पनपते। दूसरी किस्म है पंजाब मूंगफली नंबर 1। यह फैलने वाली किस्म है, जिसकी 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले रेतीले क्षेत्रों में बिजाई की सिफारिश की जाती है। सिंचाई द्वारा भी इसे उगाया जा सकता है, बशर्ते कि मिट्टी रेतीली हो। यह 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार जो है वो 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। इसमें 69% गिरियां, 100 गिरियों का वजन 60 ग्राम और 49% तेल की मात्रा इस वैरायटी में है। अब हम इसके फसल चक्र की बात करते हैं। जो सिंचाई की सुविधा वाले इलाकों में मूंगफली और गेहूं का फसल चक्र सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। मिट्टी और जलवायु की जहाँ तक बात है, तो वर्षा पर आश्रित फसल उगाने के लिए दोमट मिट्टी, जिसके ऊपर रेतीली मिट्टी की तह हो और जल निकास अच्छा हो, सबसे उत्तम मानी जाती है। वर्षा पर निर्भर फसल उगाने के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में 50 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके खेत की तैयारी करने के लिए पिछली फसल काटने के बाद 2 जुताइयां करके जमीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। यदि आवश्यक हो तो तीसरी जुताई जून के अंत में या जुताई के शुरू में की जा सकती है। कांस तथा दूब जैसी घास फूस से भरपूर जमीन को छोड़ते हुए गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके जो बिजाई का समय है, तो बारानी इलाकों में मानसून आने पर जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक बिजाई कर सकते हैं। सिंचाई वाली फसल जून के चौथे सप्ताह में बो देनी चाहिए। 15 जुलाई के बाद की गई बिजाई से अक्सर कम पैदावार मिलती है और ये देर से भी पकती है। बीज की मात्रा और बिजाई की विधि जो है वो इस प्रकार है। स्वस्थ और मोटी मूंगफलियों को बिजाई से 15 दिन पहले हाथ से छील लें और उनकी गिरी निकाल लें। बीमारी रहित गिरियों को चुनकर थीरम या कैप्टान या एमिसान की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर लगाकर जो है बीज को उपचारित कर लें। बिजाई की केरा, पोरा या ड्रिल से लगभग 5 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। पंजाब मूंगफली नंबर 1 के लिए 30x22 सेंटीमीटर तथा MX4 के लिए 30x15 सेंटीमीटर का फासला रखा जाता है। यानी कतारों के बीच जो है पंजाब मूंगफली में 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे का 22.5 सेंटीमीटर और MX4 में जो है कतारों के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच का 15 सेंटीमीटर रखें। इस प्रकार उपयुक्त फासला रखने पर पंजाब मूंगफली नंबर 1 के लिए 34 किलोग्राम और MX4 के लिए 32 किलोग्राम स्वस्थ बीज की प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ बिजाई के फौरन बाद खेत में मेढे बनाकर छोटी छोटी क्यारियां बना लें, ताकि जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सिंचाई की जा सके। अब हम खाद की बात करते हैं। तो मूंगफली में प्रति एकड़ 13 किलो यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलो जिंक
सल्फेट जो है वो पर्याप्त होता है। खाद की पूरी मात्रा बिजाई के समय ड्रिल द्वारा ही दें। मूंगफली में नाइट्रोजन को यूरिया के द्वारा तथा फास्फोरस को सुपरफास्फेट के द्वारा देना लाभदायक रहता है। 10 किलो जिंक सल्फेट बिजाई के समय ही डाल दें। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग लाभदायक पाया गया है। यदि आपने खाद के रूप में सिंगल सुपरफास्फेट नहीं लगाया हो तो 100 किलोग्राम जिप्सम जो है प्रति एकड़ दे देना चाहिए, क्योंकि तेल वाली फसलों को जो है गंधक की बहुत जरूरत होती है, तो ये जिप्सम देने से आपका गंधक पूरा हो जाता है। हाँ, सिंगल सुपरफास्फेट में गंधक मौजूद है, इसलिए अगर सिंगल सुपरफास्फेट से आप फास्फोरस खाद दे रहे हैं तो जिप्सम डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली निराई और गुड़ाई बिजाई के 3 सप्ताह बाद इसकी कर देनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई जो बिजाई के 6 सप्ताह बाद कर देनी चाहिए। अब सिंचाई के बारे में बात करते हैं, तो जिन इलाकों में 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां 2-3 सिंचाइयां काफी रहती हैं। पहली सिंचाई फूल आने पर और बाद वाली सिंचाइयां जो है वो जरूरत अनुसार फल बनने के दौरान जमीन को गीला रखने के लिए दें, ताकि जो है इसकी जो मूंगफली की फली है वो गीली मिट्टी में जो है अच्छा अपना विकास कर सके। 1.5 से 3 महीने तक फल लगने का समय रहता है। इस अवस्था में जमीन गीली होने से फलों से निकली सुई जिससे मूंगफली बनती है जमीन में आसानी के साथ चली जाती है। हिसार जैसे सूखे जिले में जहां वर्षा कम होती है 3-4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यदि सिंचाई के लिए पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो और एक ही सिंचाई की जा सकती हो तो अच्छे परिणामों के लिए सिंचाई फूल आने के समय करें। जब 2 सिंचाइयां संभव हों तो पहली फूल आने पर और दूसरी फल लगने पर करें। दूसरी सिंचाई से सुइयां जमीन में आसानी से घुस जाती हैं। आखिरी सिंचाई खुदाई से 1 सप्ताह पहले करनी चाहिए, इससे भरपूर फलियां निकलती हैं और आने वाली फसल की बिजाई भी ठीक समय से की जा सकती है। अब जब फसल तैयार हो जाती है तो खुदाई की बात आती है। नवंबर के प्रारंभ में आमतौर पर खुदाई के लिए फसल तैयार हो जाती है। पत्तियों का समान रूप से पीला हो जाना और पुरानी पत्तियों का जमीन पर गिरने लगना फसल पकने की पहचान है। पहचान स्पष्ट न होने पर फसल की खुदाई बिजाई के 125 से 130 दिन बाद की जा सकती है। ट्रैक्टर के पीछे लगने वाले मूंगफली खुदाई यंत्र के प्रयोग से खुदाई जल्दी और पूरी की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग के लिए ये जरूरी है कि जमीन में नमी ठीक हो और फसल ज़्यादा पकी भी ना हो। अब हम इसमें बात करते हैं मूंगफली के कीड़ों की। तो बालों वाली सुंडी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है, तो इस कीड़े की रोकथाम के लिए सबसे पहला तो ये करें कि गर्मियों में दो तीन गहरी जुताई में जो में करके खेतों खुला छोड़ दें, उससे जो है इसके प्यूपा और इसकी जो सुंडियाँ हैं उन्हें और अंडों को पक्षी खा जाते हैं और शेष जो बचते हैं वो धूप के कारण जल जाते हैं। इसके अलावा जब खेत में इसका असर होता है जिन पत्तियों को होता है उन पत्तियों को तोड़कर जो है मिट्टी के तेल के बर्तन में इन्हें डाल दें तो ये नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपने केमिकल उपचार करना है तो उसके लिए 250 ग्राम मोनोक्रोटोफास 36 SL या 200 मिलीलीटर जो है नुआन क्षेत्र पर परसेंट को जो है 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ सप्लाई कर दें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। दूसरा कीट है सफ़ेद लट। सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए 1 किलो बीज पर जो है 15 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनलफास 25 cc से जो है बिजाई के कुछ समय पहले उपचार करें। प्रौढ़ भूंडों के नियंत्रण के लिए इसके प्रौढ़ भूंडों को इकट्ठा करके मिट्टी के तेल में डाल दें तो वो भी इसका नियंत्रण हो जाता है। एक ही इसमें आता है चेपा। तो चेपा जो है पौधे से रस चूसता है, इसके निम्फ और अडल्ट दोनों ही, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। इनका आक्रमण कभी कभी मानसून के बाद होता है। इनकी रोकथाम के लिए 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के क्षेत्र के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए तो इससे इसका रोकथाम हो जाती है। अब बात करते हैं आलू की। तो कॉलर गलन और बीज गलन इसकी बीमारियां हैं। ये बीमारी रेतीली शुष्क भूमि तथा अधिक तापमान पर बहुत हानि पहुंचाती हैं। मूंगफली के बीज जमाव से पहले ही
भूमि में गल जाते हैं, बाद में भूमि के पास से तना गल जाता है और पौधे मर जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए स्वस्थ व अच्छा बीज लें और बिजाई से पहले थीरम या कैप्टान की 3 ग्राम मात्रा लेकर जो है प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर दें तो इसका बचाव हो जाता है। एक और रोग है टिक्का रोग, गोल धब्बे जो पुराने होने पर गहरे भूरे या काले हो जाते हैं, पत्तों के अधिकतर भाग को नष्ट कर देते हैं जिससे पत्ते झड़ जाते हैं, फसल का पकाव जल्दी हो जाता है और पैदावार में कमी आती है। इसकी रोकथाम के लिए बीमारी वाले फसल के अवशेषों को जला दें। और 400 ग्राम मैनकोजेब या 200 ग्राम बवस्टीन को 200 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतर से 2 बार स्प्रे करें तो ये बीमारी का निदान हो जाता है। तो किसान भाई, ये थी मूंगफली की खेती करने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इसका आपको लाभ होगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।